वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया थर्ड T20I मुकाबला, जिसको जीतकर वेस्टइंडीज की टीम ने T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इससे पहले जो दो मुकाबले हुए थे, एक वेस्टइंडीज तो एक साउथ अफ्रीका, ने अपने नाम दर्ज किया था जीत का। लेकिन पिछले मुकाबले में 258 रन चेज होते नजर आए, इस मुकाबले में भी 200 प्लस का स्कोर गया और बहुत ही नज़ारा अच्छा था मैदान पर, क्योंकि चौके छक्कों की बरसात हो रखी थी जोहान्सबर्ग के शानदार मैदान पर। कोई छोटा स्टेडियम नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों ने इसको बना दिया। द वंडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग के मैदान पर साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 थी, क्वेंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, राइली रूसो, डेविड मिलर, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, व्यान पार्नेल, ब्योन फॉर्चुनेट, कगी सुरबाड़ा और निक नोरख्या और लुंगी अनगिड़ी। तो वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 में ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स जिन्होंने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था, निकोलस पूरन, जोमन पॉवल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, रियोमन रीफर, शेल्डन कोटरल और अल्जारी जोसेफ हमें देखने को मिले। टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय किया था और इसी निर्णय के साथ यहां पर वो आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन हमने साफ देखा कि वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बोर्ड पर लगा दिए 8 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट में दो दो विकेट लुंगी अनगिड़ी, रबाडा और नोरखिया को सफलता मिली, लेकिन रबाडा ने 4 ओवर में 50 रन लुटाए। एक सफलता मार्करम को भी मिली थी अपने 2 ओवर के स्पेल के अंदर। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने करी, 22 गेंद में 44 रन, 2 चौके 3 छक्के की मदद से मारे। तो रेफर ने 18 गेंद पर 27 रन और निकोलस पूरन ने 19 गेंद पर 41, तो वहीं ब्रैंडन किंग ने 25 गेंद पर 36 रन मारा। साथ ही साथ काइल मेयर्स ने 10 गेंद पर सिर्फ 17 रन ही मारा। वेस्टइंडीज ने 220 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए। साउथ अफ्रीका जब इसको चेस करने के लिए उतरी तो उनके सामने बहुत मुश्किल चेस था, लेकिन पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 258 रन चेस किए थे तो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सबसे बुरी बात यह रही कि पिछले मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने शतक मारा था साउथ अफ्रीका की तरफ से, आज उसका बल्ला खामोश रहा। 21 गेंद में सिर्फ 21 रन ही बना पाए क्वेंटन डिकॉक, 4 चौके इस दौरान उन्होंने मारे थे। रीजा हेंड्रिक्स ने एक बेहतरीन पारी खेली, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 68 रन बनाए थे, इस मुकाबले में उन्होंने 83 रन की पारी 44 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्के की मदद से खेली। राइली रूसो की बात करें तो उन्होंने भी 21 गेंद में 42 रन, 4 चौके 3 छक्के की मदद से मारे। वहीं एडन मार्करम कप्तान ने 18 गेंद पर 35 रन जरूर मारे, लेकिन टीम को जीत दिला नहीं पाए, क्योंकि आखिरी ओवर में करीब 26 रन जीत के लिए चाहिए थे और साउथ अफ्रीका के हाथ से ये मुकाबला निकल गया था। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने हार नहीं मानी और 213 रन बना दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर जब तक यहाँ पर सामने आया कि किस तरीके से 7 विकेट के यहाँ पर जीतती नजर आई वेस्टइंडीज की टीम, तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज़ की बढ़त साफ नज़र आ रही थी। लेकिन मुकाबले के हीरो बनते नज़र आए पूरी तरीके से अल्जारी जोसेफ, जिन्होंने चटकाई 5 विकेट। जी हाँ, अल्जारी जोसेफ ने 5 विकेट चटकाए, जिसमें क्वेंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, साथ ही साथ डेविड मिलर, तो वहीं दूसरी तरफ हेनरी क्लासेन और वहीं व्यान पार्नेल को भी विकेट के रूप में चटकाते नजर आए। 4 ओवर में 40 रन दिया अल्जारी जोसेफ ने और यहां पर विकेट चटकाते नजर आए। आपको बता दें कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जॉनसन चार्ल्स को चुना गया और प्लेयर ऑफ द मैच अल्जारी जोसेफ को। लेकिन साउथ अफ्रीका ने पूरी कोशिश करी, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम ने उनको इस शानदार मैदान में हराते नजर आए और इस सीरीज़ पर भी कब्जा कर लिया। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।